अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मस्जिद अमीर हमज़ा के पास। ये वो जगह है शोदा ओहद, जहाँ पे जंग हुई थी, ओहद की जंग। वो ओहद का पहाड़ है, ठीक है, वो है ओहद का पहाड़। और ये है मस्जिद अमीर हमज़ा की कब्र मुबारक। अमीर हमज़ा, वो अमीर हमज़ा है, वो हुज़ूर पाक के चचा हैं, जिनकी फोतगी पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोए थे। जब इनकी शहादत हुई तो नबी पाक हमारे जो उनसे तो रोए थे, लिटरली ही लव्ड हिम दैट मच के ही क्राइड के यार मेरे चचा की शहादत हो गई, वरना नबी पाक को अल्लाह ने बहुत हौसला दिया हुआ था। तो वो रोए थे इनकी शहादत पे। तो ये वो मुबारक जगह है जहाँ पे उनकी कब्र बनी हुई है। ये वो उनकी कब्र है और वो वहाँ पे वो बाकी शहदा की कब्रें हैं। तो सच्चा जिसको कहते हैं ना, ब्लेस्ड प्लेस है ये। यहाँ पे मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी इसका नज़ारा करें, दुआएं करें अल्लाह के नबी के इस प्यारे चचा के फैज़ की बदौलत, इनके कब्रों पे जो रहमत बरस रही है उसकी बदौलत अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात परेशानियाँ दूर करें। इस वक्त मैं आपको वो पहाड़ भी दिखाता हूँ जहाँ से शहदा को हुक्म का था कि आपने इस पहाड़ पर रहना है। हमारे जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग में, ओहद की जंग में जो तीरंदाज थे, उनको कहा गया था कि उन्होंने इस पहाड़ पे रहना है, इस पहाड़ पे वो थे। लेकिन जैसे उनको पता चला कि हम जंग जीत गए तो वो नीचे आए। नीचे आते साथ ही कुफार ने पीछे से हमला किया और मुसलमानों के 70 जिसको कहते हैं शहदा को, 70 मुसलमान सहाबा शहीद हो गए थे। तो ये वो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर उनको कहा था कि आपने रुकना है। अब ये कि बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ वो इस पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, अलबत्ता जाना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत मुबारक पहाड़ी है, शहीद हुए हैं यहाँ पे। तो आई वुड नॉट गो ऑन दैट टॉप क्योंकि एक जिसको कहते हैं ना वो मकाम है इस जगह का, एक इज़्ज़त है, क्योंकि उस जगह पे जाना जहाँ पे सहाबा की शहादत हुई, उस जगह पे पाँव लगाना आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन मैं आप लोगों को वो जगह दिखा रहा हूँ, वो पहाड़ी दिखा रहा हूँ कि इस पहाड़ी की पीक पे शहदा तीरंदाज थे, उनको हुक्म था कि उन्होंने ऊपर ही रहना है। एनीवेज, और ये वो जगह है, ये मस्जिद अमीर हमज़ा है। मस्जिद अमीर हमज़ा मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी, ये मस्जिद अमीर हमज़ा है। यहाँ पे अभी हम दो नफल पढ़ेंगे मस्जिद तहियतुल मस्जिद के, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग आगे घर की तरफ निकलेंगे। अभी मैं आप लोगों को दोबारा व्यू दिखाता हूँ और हम सब मिल के नबी के इस चचा पे दुरूद व सलाम भेजते हैं, सलाम भेजते हैं। ये वो कब्र है, कब्र मुबारक हज़रत अमीर हमज़ा की। तो आए मिल के उन पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम या सैयद हमज़ा इब्न अबी मुतलिब, अस्सलामु अलैकुम या अम्मा रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम अम्मा नबीउल्लाह, अस्सलामु अलैकुम अम्मा हबीबुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अम्मा मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम या सैयद शुहदा या असदुल्लाह व असदुल्लाह असद रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या शुहदा या सुअदा, अस्सलामु अलैकुम या सबरतुम फनी अमर उकबदार, अस्सलामु अलैकुम या शहदा अहद काफ़त आमतुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। तो आप सब ने भी मिल के मेरे साथ इन शहदाए अहद पे सलाम भेजा। अल्लाह ताला इन शहदा की फैज़ और इनकी रहमतों व बरकतों से हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए, परेशानियाँ मुश्किलात दूर करे और हमसे जो कोताहियाँ हुई हैं अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो देखिए ये सारी प्लेस है, ये वो सारी प्लेस है। ये वो सारी प्लेस है, ये देखो देखो कुछ है, ये वो पहाड़ है माशाल्लाह। सलाम पढ़ना तो ये पढ़ लो, इधर से एक पेज पीछे कर लो यहाँ से।
जन्नतुल बकी की दुआ है इसमें। जन्नतुल बकी की होगी, ढूंढनी पड़ेगी थोड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, होगी हाँ। तो सारी ज़ियारत मदीना मुनव्वरा ढूंढनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह निकालूंगा। हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, दो मिनट में आके नफल पढ़ लिया, नफल बस पढ़ो। ओके 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 ओके, ये मस्जिद है अमीर हमज़ा है, यहाँ पे अभी हम दो रकात नफल पढ़ेंगे। ओहद का पहाड़, वो ओहद का पहाड़। हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ जी, सला। एक गेट उन्होंने उस वक्त बंद किया हुआ है, वो कह रहे हैं आप दूसरी तरफ से होके आए। अब हम जाएंगे दूसरी तरफ नमाज पढ़ने के लिए, दो रकात सलात पढ़ेंगे। ये वो जगह है, ये मार्केट से बनी हुई है, यहाँ पे हम यहाँ पे आएंगे। من يبغى له خمسة كرتون حتى الثلاجة المسجد، من يبغى له خمسة كرتون الثلاجة المسجد.